तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और पंकज ने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि मैडम क्यों ना हम लोग इस लॉकडाउन पीरियड में जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनके जो इतने सवाल जवाब हैं, हम लोग उन सवाल जवाब को लेकर और ज्यादा से ज्यादा लोगों की क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थॉट यस इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और हम लोग आगे ये करने वाले हैं कि अभी कुछ हफ्ता 15 दिन तक शायद पंकज है ना ऐसे ही होने वाला है कि हम लोग रोज इसी समय में या मे बी टाइम चेंज हो सकता है बट हर रोज हम लोग एक नया टॉपिक लेंगे। और सभी जितने भी व्यूअर्स हैं जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि किसी एक पर्टिकुलर उसी टॉपिक पर उसी दिन सवाल पूछेंगे तो सभी के हाँ लिए हाँ उसके बारे में जानकारी अच्छे से क्लियर हो पाएगी। हाँ पंकज रोज शाम को कर सकते हैं और करेंगे हम। आज मैम जो हमने सब्जेक्ट रखा था, दरअसल बहुत सारे आपको पता ही है कि जब कोरोना की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन हुआ तो पूरे देश में ही ज्यादातर अस्पताल बंद हो गए, और सबसे बड़ी जो दिक्कतें आई वो प्रेग्नेंट वुमेन्स को आई, क्योंकि उनके साथ एक तो ये था कि भाई डिलीवरी कैसे होगी, कहाँ होगी, उनके अस्पताल बंद है। दूसरी दिक्कत थी कोरोना से कैसे बचे, क्योंकि उनको इस पीरियड में जो है बहुत सारे मतलब अलग से ध्यान रखना। राइट तो जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो कोरोना से कैसे बचे, और इस माहौल में जब लॉकडाउन है, सब लोग घरों में बंद है, तो वो क्या करें? ओके। तो सिर्फ प्रेग्नेंट महिलाएं नहीं, मैं सभी के लिए बोलूंगी कि कोरोना एक, जैसे हम जानते हैं कि WHO ने इसको एक वैश्विक महामारी घोषित कर दिया है ना। एक ये इंटरनेशनल डिजीज है, एक पैंडेमिक डिजीज है। पैंडेमिक यानी कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इस बीमारी ने सबको परेशान किया हुआ है। इसके बारे में अभी तक हम सभी लोगों को जानकारी बहुत कम है कि एग्जैक्टली ये क्या बीमारी थी और जो जिस तरीके के सिम्टम्स लोगों में आ रहे हैं, जिस तरीके से ये फैल रही है, उसी के बिना पर हम लोग अपने हिसाब से ट्रीटमेंट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो जो बहुत पुरानी हमारी, जो मैं तो ये बोलना चाहूंगी कि जो हमारी बहुत पुरानी भारतीय परंपराएं थी, कृपया करके सारी वो अपनी परंपराएं याद कीजिए, ठीक है? जैसे कि शेक हैंड्स हो रहा है, कि एक दूसरे को छूकर नहीं करना है, एक डिस्टेंस मेंटेन करके आपको एक दूसरे का अभिवादन करना है। अभी तो क्योंकि डिजीज अक्यूट स्टेज में है तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो लोग जितना ज्यादा घर पर रह पाए कृपया करके उतने ही ज्यादा लोग घर पर ही रहे और घर से बाहर ना निकले। प्रेग्नेंट वुमेन्स से स्पेशली मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो लोग घर पर ही रहे, बुजुर्ग लोग वो घर पर ही रहे, बच्चे वो घर पर ही रहे, जो काम काजी लोग हैं जिनके लिए जाना जरूरी है तो वो लोग अपने कार्य पर जाएं। और जब वो कामकाजी लोग अपने काम पर जाएं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज काम करनी है वो है कि एक अच्छी क्वालिटी का मास्क का उपयोग करें। बहुत जरूरी है कि आप सब लोग अपनी सेहत के लिए एक अच्छी कंपनी का, एक अच्छी क्वालिटी का मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो इंफेक्शन है ये बेसिकली नेजल ड्रॉपलेट्स, खांसने से, छींकने से, और ये जो वायरस है ये खांसने और छींकने से एक दूसरे के पास जाता है और चीजों पे बना रहता है। यानी कि कोई भी मेटल का ऑब्जेक्ट है, आपकी लिफ्ट है, आपकी डोरबेल है, मोबाइल्स हैं, फोन्स हैं, जितनी भी कॉमन उपयोग की चीजें हैं, आप कार से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, कॉफी वेंडिंग मशीन है, चाय लेते हैं, जितनी भी चीजें जो लोग कॉमनली यूज कर रहे हैं, उन सब चीजों में अगर कोई वायरस का इंफेक्शन, कोरोना के ड्रॉपलेट्स पड़े हैं और अगर आप उसको छूते हैं तो ये हो सकता है कि वो वायरस फिर आप अपने मुंह पर छुए तो आपको वो इंफेक्शन हो जाए। तो नंबर एक है, एक अपना मास्क बहुत अच्छी क्वालिटी का लगाएं, एक आदत बना लें कि घर से बाहर जब भी कोई निकलेगा, बच्चा, बुजुर्ग, गर्भवती, कोई भी या कोई भी इंसान जो कार्य करने जा रहा है वो अच्छी क्वालिटी का मास्क पहन के जाएगा। नंबर दो, दूसरी अच्छी आदत एक हमको जोर के रखना है कि हम लोगों को हाथ धोने की आदत को रिवाइव करना होगा। हमको हाथ धोना सीखना होगा। हर एक आदत बना लीजिए कि हर एक घंटे में जाकर मिनिमम 20 सेकेंड्स के लिए आप अपने हैंड्स को वॉश करें। और हाथ धोने की जो एक प्रॉपर प्रक्रिया है जो 20 से 30 सेकेंड तक होती है, हाथ सिर्फ यूं यूं जाके पानी के नीचे धोने से, कस्टमरी करने से नहीं होगा। इसमें प्रॉपर 20 सेकेंड तक आपको अच्छे से हैंड्स वॉश करना है। और इसके भी कुछ वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। मे बी हम किसी दिन उस पे भी एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे। तो प्रॉपर तरीके से हैंड्स वॉश करें, जिसमें आप लेदर बना के हाथ की पाम को करें, उसके बाद हाथ के पीछे अपने वॉश करें, दोनों तरफ के नील्स को वॉश करें, जो आपके ये है
उनको वॉश करें, नाखूनों को कायदे से पूरे अच्छे से वॉश करना है, फाइनली दोनों तरफ की कलाई को वॉश करना है। इस तरीके से एक एक स्टेप पे आपको 10 सेकंड तक का जो है वो लेके चलना है। तो इस तरीके से आप अपना सारा चीज करेंगे। और एक सुमन के करके गवर्नमेंट ने एक अच्छी टेक्निक याद रखने के लिए करा है कि आप सीधे तरीके से हाथ धोएं, यू से यानी कि आप उल्टे तरीके से हैंड्स को वॉश करेंगे, है ना, म से यानी कि आप मुट्ठी बना के वॉश करेंगे इस तरीके से, ठीक है, मुट्ठी सु म, ए से आप जो अंगूठे हैं स्पेसिफिकली आपको, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी चीज उठाने में इन अंगूठे और उंगलियों का बहुत रोल है, तो हमें इन अंगूठों को अच्छे से वॉश करना है। एंड फाइनली ये जो उंगलियां हैं, जो पोर है हमारे, इन पोर को बहुत अच्छे से रखना है, नेल्स, नाखून, एन इज फॉर नाखून, नेल्स दोनों तरफ से वॉश करना है। मैं इसलिए इस पे इतनी इंपॉर्टेंस दे रही हूँ क्योंकि ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। आज 80-90% कोरोना से बचाव का तरीका मास्क और हमारे हाथ धोने की टेक्निक है, और सुमन के बाद है के यानी कि कलाई वॉश करनी है, और आपको अच्छे से हैंड्स वॉश करके ड्राई करना है। कुछ जगहों पर फिर भी ऐसा होगा कि आप साबुन से हाथ नहीं धो पाएंगे, जरूरी नहीं है किसी ब्रांडेड साबुन, किसी से भी साबुन जो भी आपको अवेलेबल हो अपने हाथ में, हो सके तो एक लिक्विड सोप अपना अपना पर्सनल रखिए, कहीं किसी पब्लिक टॉयलेट का, किसी पब्लिक जगह का, आपके ऑफिस का, स्कूल्स का, जगह का मत यूज करिए, है ना, इतना तो हम अपने लिए कर सकते हैं। एक अपना सोप अपने पास, लिक्विड सोप लेके चलिए, एंड एक सैनिटाइजर अपने पास रखिए। तो सबसे पहली बात, घर से बाहर कम निकले, नंबर दो, बाहर निकलेंगे तो मास्क पहन के निकलेंगे, नंबर तीन हैंड्स वॉश करेंगे, नंबर तीन सैनिटाइजर का भरपूर उपयोग करेंगे। किसी के बहुत ही बड़ी गैदरिंग में हमको नहीं जाना है, ट्रेन में, उसमें, जब तक कि जरूरी ना हो, मैक्सिमली आप अगर 100 बार घर के बाहर निकलेंगे तो आपको 10 बार इन्फेक्शन होने का खतरा रहेगा, है ना, और अगर आप 10 बार घर के बाहर निकलेंगे तो आपका इन्फेक्शन होने का खतरा कितना कम हो जाएगा, 0.1%। और जितना ज्यादा आप घर से बाहर निकलेंगे और जितनी ज्यादा बाहर भीड़ होगी, जैसा कि हम जानते हैं हमारा भारत देश जो है वो बहुत ही क्राउडेड है, और उस क्राउडेड होने की भीड़ भाड़ में है, एक ही घर में हम बहुत सारे लोग रहते हैं, उस वजह से क्या परेशानी आती है कि हमारे यहाँ अगर इन्फेक्शन इस तरीके से महामारी की तरह फैला तो बहुत ही समेटना मुश्किल होगा। इसीलिए सरकार, प्रशासन, डॉक्टर्स, पुलिस, हम सब लोग इस बात में है कि भाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और डरने की कोई बात नहीं है लेकिन प्रिकॉशंस करना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि अगर 1% ये जो है इसमें, ये समझिए ये छुआछूत की बीमारी है, तो अब छुआछूत की है तो बहुत ज्यादा इंफेक्शन इंडेक्स है इसमें पंकज, कि बहुत ज्यादा जितना भी लोग इसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, डॉक्टर्स आते हैं, पुलिसमैन आते हैं, कर्मचारी आते हैं, उनको तुरंत ही इन्फेक्शन हो जाता है। वो बात अलग है कि इस ऐसे पेशेंट्स में ज्यादातर जो पॉजिटिव भी पेशेंट आ रहे हैं उनमें 1-4% लोगों में यह सीवियर निमोनिया जैसे सिम्टम्स पैदा करता है, और ज्यादातर लोगों में 90-95% लोगों में यह सेल्फ लिमिटिंग होता है और ठीक भी हो जाता है। मैम, अब जो सवाल है, मैं कुछ लोगों के सवाल ले लेता हूँ, जो लोग सवाल पूछ रहे हैं। जरूर, यहाँ मेरे साथ काजल जुड़ी है, हमने एक वीडियो बनाया भी था, तो इन्होंने अभी सवाल पूछा है कि मुझे वेजाइना में दर्द होता है और क्लटर्स में, तो ये आप थोड़ा समझाएंगे कि क्या है, क्यों होता है इनको, और ये कहना एक इन्फेक्शन हो सकता है, दो बिना एग्जामिन किए, बिना पेशेंट को देखे मुश्किल हो सकता है, कि मुझे लगता है कि कोई सिंपल एंटीबायोटिक्स लेकर आप 3 दिन का कोर्स करके देख सकते हैं, कोई भी सिंपल एंटीबायोटिक, जिफी ले सकते हैं उसमें, और एजिथ्रोमाइसिन दिन में रोज दिन में एक बार 3 दिन तक ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो नीलम है, हमने एक थायराइड पे भी बनाया था, उन्होंने पूछा है कि मैं, मुझे थायराइड है, इन फ्यूचर मुझे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है क्या? यस, ये देखा गया है कि जो थायराइड डिसऑर्डर्स के पेशेंट है वो 2 तरीके के होते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी कि वो पेशेंट्स जिनको थायराइड टीएसएच बढ़ा हुआ है, ऐसे पेशेंट्स को हम लोग कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, और जिनका टीएसएच जरूरत से बहुत कम होता है ऐसे पेशेंट्स होते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। तो
जो इन दोनों ही तरीके के कैटेगरी के पेशेंट्स में प्रेगनेंसी होने में परेशानी होती है और इनमें ओव्यूलेशन होने में स्पेशली अंडा बनने में परेशानी होती है। और ये भी देखा गया है कि अगर ये पेशेंट्स प्रेग्नेंट भी हो जाते हैं तो ऐसे पेशेंट्स में जो वो है उसका एबॉर्शन होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। और सिर्फ एबॉर्शन ही ज्यादा नहीं होते हैं, ऐसे पेशेंट्स को अगर हम अनट्रीटेड रखते हैं तो आगे चल के प्री टर्म लेबर, बच्चे के आसपास पानी कम होना और बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास पर भी इन सब थायराइड के डिसऑर्डर्स का बहुत फर्क पड़ता है। तो इसीलिए ये देखा गया है कि थायराइड की टेस्टिंग हमें बिल्कुल प्रेगनेंसी से पहले तो पता हो तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि हम लोग जब भी कोई पेशेंट पहली ही बार प्रेग्नेंट होके आता है तो थायराइड TSH का टेस्ट और फ्री T4 का टेस्ट हम हर पेशेंट का पहली ही विजिट में अवश्य करते हैं। और इसके अलावा जो काफी जो पहला सवाल पूछ रही थी उन्होंने लिखा कि मैं कई जगह दिखा चुकी हूँ, तो उनको क्या कुछ आप दूसरी सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि शायद वो पहले दिखा चुकी हैं, तो अगर आप चाहे तो अपना मतलब क्लिनिक का एड्रेस दे सकती हैं या ऑनलाइन कंसल्टेंसी के बारे में बता सकती हैं। किस चीज के लिए वजीना में दर्द होता है, क्लटर्स में ऐसा करीब कुछ नहीं, इसमें ऐसे तो हम सिर्फ एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं और बिना एंटीबायोटिक्स दिए के अलावा फिर हम अभी इस कुछ चीजों को देखिए, ऑनलाइन कंसल्टेशन इज नॉट जस्ट लाइक ऑनलाइन कंसल्टेशन, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं और हमें उसको रिस्पेक्ट करना होगा। और इसके अलावा मैम मैंने वो वाला वीडियो निकाला जिसमें लोगों ने बहुत सवाल पूछे हैं, करीब 1.5 मिलियन लोगों ने उस वीडियो को देखा है, जो हमने पूछा भी था आपसे कि प्रेग्नेंट ना होने के क्या कारण है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग महिलाओं को ही जिम्मेदार मान लेते हैं, जबकि बहुत सारा रोल उसमें पुरुषों का भी होता है, बराबर की हिस्सेदारी होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसमें इस जो हमने वीडियो बनाया था उसे बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह के सवाल पूछे थे, उसमें से एक सवाल था जो पृथ्वी सरदार ने पूछा है कि अगर पीरियड्स में थके आते हैं और पीरियड 2-3 दिन की रहता है तो प्रेगनेंसी रुक सकती है क्या? प्लीज बिल्कुल रुक सकती है। पीरियड्स का अगर हम बोले तो किसी के हर महिला एक महिला के दूसरे महिला से अलग होते हैं, किसी को 2 दिन से लेकर 5 दिन तक पीरियड आता है तो वो भी नॉर्मल है। और इसके अलावा दर्द होता है नहीं होता है ये सब बहुत वेरिएबल है, 21 दिन से लेकर 40 दिन तक की साइकिल को हम लोग नॉर्मल लेके चलते हैं। तो जिसको रेगुलर इंटरवल पे आ रहे हैं और उसको हर महीने अगर इसी तरीके के पीरियड आ रहे हैं तो जहां तक है इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक रोशन कुमार है जिन्होंने यूट्यूब पर भी लाइव में पूछा है कि मैडम जी मुझे किसी ने इस प्रकार के वायरस से बचने के लिए DXN जेनोडोर्मा और DXN स्प्लेना लेने की सलाह दी है और एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम से बचाता है चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? किस चीज के लिए? इन्होंने कोई दवा का शायद नाम लिखा है। नहीं, ऐसे तो बताना बहुत मुश्किल होगा, इनसे बोलिए कि दवा का जो रैपर है उसकी फोटो खींच के आपको भेजे तो मेबी नेक्स्ट टाइम वी विल कमेंट अपॉन इट। एक और रजनीश जयसवाल ने शायद अपनी वाइफ के लिए सवाल पूछा है कि मैं मेरी वाइफ का बिना एक्सरे वाला हाइड्रोट्यूबेशन टेस्ट किया गया है, ट्यूब ब्लॉक टेस्ट, और बोली है कि नॉर्मल है लेकिन लिफ्ट वाली बोली की थोड़ी चिपकी, लेफ्ट वाली शायद थोड़ी चिपकी हुई है, प्लीज हमारी मदद करें। इनसे बोलिए कि अपनी जो HSG की आपकी जो HSG की रिपोर्ट से रजनीश कुमार जी आपकी महिला की आपकी पेशेंट की, तो आपके वीडियो के एंड में हम लोग अपना टेली कंसल्टेंसी वाला एक नंबर भी देंगे, उस नंबर पे आप जाएंगे और पूरी जानकारी प्राप्त कीजिएगा जिसमें कि आपको अपनी HSG की रिपोर्ट, जो आप ट्यूब टेस्ट बोल रहे हैं, एक्सरे की रिपोर्ट और जो भी आपके पर्चे हैं वो सारे सबमिट करने होंगे और उन सारी रिपोर्ट्स को देखने के बाद ही मैं कॉमेंट कर पाऊंगी। और दूसरा जो सवाल है कि मैं अगला सवाल लेता हूँ, और डॉक्टर जी मेरी बीवी का कॉन्सीव नहीं हो पा रहा है, दोनों का टेस्ट भी नॉर्मल है, डॉक्टर बोलता है कि रास्ता पतला है, समझ नहीं आ रहा, क्या करूं, कंसल्ट में। ये तो बहुत ही वेग सा सवाल है कि मैं देखिए इनसे भी यही बोलना चाहूंगी मैं, हाँ, कि ये बहुत ही वेग सा सवाल है, इसका आंसर देना बहुत मुश्किल है कि जब तक हम पेशेंट्स को, हस्बैंड को, वाइफ के
कुछ पर्टिकुलर टेस्ट नहीं करा लेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि भाई आप में दिक्कत है, महिला में दिक्कत है और क्या दिक्कत है? तो कुछ भी इलाज करने के लिए हमको पहले उसके कुछ टेस्ट कराने होंगे और उन टेस्ट के रिपोर्ट्स के आधार पर ही मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। और आपको भी बोलूंगी कि अगर आपको इतना ही मन है तो आप जहां भी हैं टेली कंसल्टेंसी में अपना वो सारी रिपोर्ट्स भेजिएगा, मैं देखकर जरूर आपसे बात करूंगी। एक सृजन यादव है, इन्होंने ये सवाल किया लाइव वीडियो में कि न्यूबॉर्न बच्चों को कितना खतरा है और न्यूबॉर्न बेबी के लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, ये सवाल है सृजन यादव का। हाँ, अभी तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ऐसा नहीं देखा गया है कि प्रेग्नेंट पेशेंट्स में कोरोना के ज्यादा सीवियर सिम्टम्स हो या वर्स्ट सिम्टम्स हो, ऐसा नहीं देखा गया है। और ना ही ये प्रूव हुआ है कि जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनमें जब बच्चा डिलीवर हो रहा है तो बच्चे को भी इन्फेक्शन हो, ऐसा नहीं है। यानी कि ट्रांसप्लेसेंटल इन्फेक्शन की माँ के थ्रू पेट के अंदर ही बच्चे को होने की, इन्फेक्शन होने की चांसेस बहुत कम है। बट हाँ, अब अगर ब्रेस्टफीड भी मदर बच्चा होने के बाद अगर कोविड पॉजिटिव है तो बच्चे को माँ करा ही लेती है। ये माना जाता है कि कुछ एंटीबॉडीज बच्चे में डेवलप होती होंगी। तो अभी ऐसे कोई सेट रिसर्च के हमारे पास रिजल्ट्स नहीं आए हैं, सब कुछ बहुत नया है और काफी दुनिया में काफी रिसर्च चल रही है और अभी भी इसके रिजल्ट आने बाकी है। रही बच्चे की प्रिकॉशंस की बात, तो ये सारी प्रिकॉशंस कुछ इसी तरीके से ही होनी चाहिए कि बच्चे को घर में ही रखें, बच्चे को ज्यादा बाहरी लोगों के से एक्सपोज ना करें, हो सके तो जच्चा और बच्चा का एक होम आइसोलेशन, यानी कि जैसे हमारे यहाँ पहले होता था, जच्चा और बच्चा को एक कमरे में सिक्लूड करके रखें। और बाहर आने जाने लोग भी, जो भी बाहर भी जाते हैं, तो कोशिश करिए कि वो लोग बच्चे को ना लें और उस कमरे में ना जाए। पूछ रहा था, रोशन कुमार ने भी पूछा था, उन्होंने एक नीचे दिया है ये DXN जो गैनोडर्मा है, ये लिख रहे हैं कि क्या ये एक इम्यूनिटी बूस्टर है, क्योंकि अभी क्या है कि जब कोरोना की बात आई तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी होगी उनको थोड़ा कम है, तो क्या ऐसी कोई दवाएं हैं जो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाती हैं या हमें नेचुरल उपाय भी करना चाहिए? देखिए, अभी तक मैंने यही कहा क्योंकि ये बीमारी बहुत नहीं है तो किसी को भी इसके बारे में खास नहीं पता है। अब रही इम्यूनिटी बूस्टर के DXN एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि क्या है, बट हाँ, अपने खान पान का ध्यान रखना है कि आपको अपनी डाइट हेल्दी रखनी है। और हेल्दी डाइट में जैसे अपनी बैलेंस डाइट है कि आपको सभी चीजों का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, मल्टीविटामिन्स, यानी कि कुल मिला के दाल, सब्जी, रोटी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब का आपको बहुत अच्छे से कंजम्पशन करना है, सही समय पे खाना है, सही समय पे सोना है और अपनी रूटीन में एक्सरसाइज को इन्वॉल्व करना है। और अगर आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, कैंसर से पीड़ित हैं तो आपको भी इंडोर ही रहना चाहिए, अपनी दवाइयाँ बिल्कुल समय पे खानी चाहिए। अगर किसी को किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन है, कहीं भी किसी बॉडी में कोई लंबा इन्फेक्शन है, तो ऐसे लोगों को भी बहुत अधिक प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। और मल्टीविटामिंस, बहुत अच्छी मल्टीविटामिंस है, स्पेसिफिकली मैं किसी मल्टीविटामिंस का नाम तो नहीं लेना चाहूंगी, बट यस, आप किसी अच्छे जो आपके आसपास के डॉक्टर्स हैं उनसे आप रेकमेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो प्रेगनेंसी वाला हमने जो वीडियो बनाया था उस पर किसी ने पूछा, हालांकि ये बहुत कॉमन बात है कि हस्बैंड तैयार नहीं होते हैं जांच के लिए, एक हिमांशी वर्मा है, इन्होंने सवाल पूछा है कि मैडम अगर हस्बैंड ना मानते हो टेस्ट करवाने के लिए तो क्या करें, बिकॉज मैंने अपना अल्ट्रासाउंड करवा लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेगनेंट बच्चा चाहते हैं? हाँ, ये वही वाला वीडियो है जिसमें हमने लोगों से बताया था कि प्रेग्नेंट ना होने। हाँ, तो अब देखिए, ये बात समझनी होगी हमें कि मैंने पहले भी अपने सारे वीडियोस में बताया है कि बच्चा ना होने के कारणों में अगर हम देखें तो 40% कारण जो है वो पुरुष में कमी की वजह से पाए जाते हैं, बाकी जो 40% कारण है वो महिलाओं में कमी की वजह से पाए जाते हैं, 10% दोनों ही हस्बैंड वाइफ में कुछ ना कुछ कमी होती है और 10% में कुछ खास पता नहीं चल पाता कि एग्जैक्टली कहाँ पे परेशानी है। तो 40% प्लस 10% अनएक्सप्लेन का भी ले ले तो 50% मामलों में हस्बैंड की में कमी हो सकती है। तो अगर आपके सारे टेस्ट ले भी लिया जाए तो हस्बैंड को तो आपको मनाना ही पड़ेगा कि उनमें जो भी अगर कोई दिक्कत है या नहीं है तो उसके लिए तो उनको मना के उनका टेस्ट तो कराना ही पड़ेगा। मैम एक सवाल है, ये कोई नर्सिंग का शायद स्टूडेंट है, इसने पूछा है कि मैम किसी
को सेक्स करने के 1 घंटे बाद भी अगर अनवांटेड 72 ले लेता है तो क्या प्रेगनेंसी हो सकती है, प्रेगनेंट हो सकता है? हाँ, क्या ले ले लेता है? हार्मोन टैबलेट्स, अनवांटेड 72 अगर ले लेते हैं, अगर पिल करप्शन। 72 जो है, यस, ये देखा गया है उसके फेलियर रेट्स बहुत ज्यादा हैं। तो उसके फेलियर रेट 10 से लेकर 30% तक हो सकते हैं। तो 100 लोग अगर ऐसी टैबलेट को लेते हैं तो 10 से 30% लोगों में फेलियर रेट्स देखे हैं, और मैंने तो बहुत ज्यादा फेलियर रेट्स देखे हुए हैं पिल 72 के। और एक अरुण हरदी हैं, इन्होंने सवाल पूछा है कि 8 महीने की प्रेगनेंसी में जो माँ के पेट में बच्चा है उस बच्चे को पानी हो गया, उसका कोई उपाय या इलाज हमें जरूर बताएं। इन्होंने पानी क्या हो गया? सिर्फ इतना ही लिखा है कि 8 महीने की प्रेगनेंसी में माँ के पेट में बच्चा है, उस बच्चे को पानी हो गया, ऐसा लिखा है। तो थोड़ा क्लियर नहीं है लेकिन हाँ, बच्चे को पानी हो गया तो मुझे लगता है इनके बच्चे को शायद हाइड्रोप्स फिटालिस होता है। ये एक तरीके की ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम बच्चे को पेट के अंदर ही होती है, जहां पर बच्चे के शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा होती है और सूजन आ जाती है। अगेन, ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है एक बच्चे के लिए, और इसके लिए बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स में मैं सजेस्ट करूंगी कि जैसे या तो आप एम्स आपके आसपास है वहां पर दिखाइए, या कोई भी पीजीआई जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे हमारे पास में अगर देखें तो हमारे यहाँ SGPGI लखनऊ का जेनेटिक्स डिपार्टमेंट है, वहां पर दिखाइए। तो बेसिकली इस तरीके के बच्चे को बहुत अच्छी केयर और ट्रीटमेंट की जरूरत है। इंट्रा यूट्राइन भी ऐसे लोगों में कभी कभी ब्लड एक्सचेंज वगैरह दिए जा सकते हैं, पैदा होने के बाद भी इनका ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है। अच्छा, इसका हाइड्रोक्सिफिटालिस, अगर ये वही बात बोल रहे हैं तो उसके भी कई कारण होते हैं, और बेसिकली उन इन्फेक्शन या उन कारणों का, जो भी कारण है उसका ट्रीटमेंट करना एक इम्पॉर्टेंट काम है। और RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, यानी कि हस्बैंड और वाइफ का अगर RH पॉजिटिव या नेगेटिव, उसमें इनकॉम्पेटिबिलिटी है, अगर उसकी वजह से है तो भी बच्चे का ब्लड एक्सचेंज माँ के पेट के भीतर ही जब बच्चा है तब किया जाता है। तो आपको बेसिकली एक बहुत अच्छे किसी डॉक्टर को, अच्छे न्यूनेटोलॉजिस्ट को दिखाना होगा, और एक ये बहुत जरूरी काम है और बहुत एहतियात से करने वाला बारीक काम है। और एक सहदेव सिंह है, इन्होंने सवाल पूछा है कि क्या लैप्रोस्कोपी से इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट संभव है? ऑफ कोर्स, ये तो मेरे ख्याल से आप हम लोगों का पुराना वीडियो देखिए जिसमें ये बताया है हमने कि दूरबीन विधि यानी कि लैप्रोस्कोपी और हिस्टरोस्कोपी से इनफर्टिलिटी में क्या ट्रीटमेंट संभव है। देखिए, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज हम लैप्रोस्कोपी से कर सकते हैं। ट्यूब्स बंद हैं तो कुछ ट्यूब्स को भी लैप्रोस्कोपी से खोला जा सकता है। बच्चेदानी में गांठ है, वो गांठ हटा के ट्रीटमेंट होता है। बच्चेदानी के अंदर जाला, पर्दा, झिल्ली, कोई इस तरीके की चीज है, वो भी दूरबीन विधि से, हिस्टरोस्कोपी से काट सकते हैं। कभी कभी कुछ पैदाइशी बहुत सारे विकार हैं जिसमें यूनिकॉन्वेक्स यूट्रस है, उसको भी ठीक करना होता है। बच्चेदानी के आसपास जाले बन जाते हैं जिससे अंडे फूटकर ट्यूब में नहीं जा पाते, जा भी पाते हैं तो उन जालों की वजह से एक जगह फंस के रह जाते हैं। तो ऐसे केसेस में एडिसियोलाइसिस करनी पड़ती है। तो कुल मिला के यहाँ पे तो एक पूरी रेंज है जिसमें लैप्रोस्कोपी और हिस्टरोस्कोपी करनी पड़ती है। और ये देखा गया है कि जो पेशेंट्स इनफर्टाइल हैं और उनका अगर अच्छे लैप्रोस्कोपिक सर्जन से अगर ट्रीटमेंट कराया जाए, जिस बीमारी की वजह से अगर इनफर्टिलिटी है, जैसे कि गांठ होना, जैसे कि ओवरी में गांठ होना, बच्चेदानी में मायोमा या गांठ होना, बच्चेदानी के अंदर पर्दा होना, ट्यूब्स का बंद होना, बच्चेदानी के अंदर जाला पड़ना, नीचे का हिस्सा बंद होना, वजाइना या यूट्रस में कहीं भी किसी भी लेवल पे कोई ब्लॉक होना, तो इस तरीके की बहुत सारी बीमारियों में ट्रीटमेंट कराने के बाद 60 to 70% ऑफ पेशेंट्स तक कंसीव कर पाते हैं। और एक सवाल और है कि किसी मनु नारायण मौर्य ने पूछा है कि मैम मेरी शादी को मार्च में 2 साल हो जाएंगे, अब उनके 2 साल हो चुके हैं, और फिर पूछ रहे हैं कि और मेरा पिछले साल 1 महीने 17 दिन में इनका जो बच्चा था वो मिसकैरेज हो गया, दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या करें? अब इसके लिए भी मैं फिर वही बोलूंगी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट ऐसे, तो क्योंकि हमको हस्बैंड और वाइफ दोनों के कुछ बेसिक टेस्ट कराने होंगे। और जैसे इनका एक एबॉर्शन हो चुका है तो ये हिस्ट्रोसाल्पिंजियोग्राफी एक करा सकती हैं, जिसमें बच्चेदानी के अंदर दवा डाल के एक्सरे करके देखते हैं कि ट्यूब्स खुली है कि नहीं।
अंदर कोई जाला पर्दा झिल्ली तो नहीं है, और हस्बैंड का सीमन एनालिसिस एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, तीसरा माँ का जो पेशेंट है उसका अल्ट्रासाउंड एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी, जिससे हम उसकी ओवरऑल ओवरीज में एग्स बन रहे हैं कि नहीं, पीरियड्स में कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सब चीजें असेस कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये तीन टेस्ट दे आर इम्पोर्टेंट, उसके बाद ही हम कुछ कॉमेंट कर पाएंगे। ये कोई गौतम भास्कर ही कहते हैं, नमस्कार मैम, मैं गौतम भास्कर डिफार्मा का छात्र हूँ और कुमार नर्सिंग होम में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारी जानकारी में व्यक्ति है जिनकी शादी को 15 साल हो गए लेकिन कोई बच्चा नहीं आया, अगर कोई सोल्यूशन हो तो प्लीज बताएं। इनको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप हमारे टेली कंसल्टेंसी वाले व्हाट्सएप नंबर पर जाएं, उस पे अपनी अभी तक जो भी उन्होंने ट्रीटमेंट कराया है वो जानकारी दें, अपनी पुरानी रिपोर्ट्स और सब कुछ सबमिट करें और अपॉइंटमेंट लेकर दिखाएं, क्योंकि 15 साल है, शादी को हो गया है, इसका मतलब है जरूर ही कोई बड़ी समस्या है जिसको पहले तो समझना होगा कहाँ क्या दिक्कत है, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन ऑफर देम द ट्रीटमेंट। और एक मणि राजपूत, इन्होंने सवाल किया है कि मैम मुझे सेकंड प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो रही है, मेरा फर्स्ट बेबी ऑपरेशन से हुआ था। ये पता करना होगा कि इनके पहले बच्चे को हुए कितने दिन हो गए हैं, और ऑपरेशन के दौरान क्या इनको कोई समस्या हुई थी, क्या इनके टाकों में कोई मवाद वगैरह आया था या ब्लीडिंग ज्यादा हुई थी। कभी कभी पुराने केसेस जिनमें ऑपरेशन हुआ हुआ है उनमें इन्फेक्शन होने से ट्यूब्स भी बंद हो सकती हैं और बच्चेदानी के अंदर जाला पड़ सकता है। कभी कभी ऐसे केसेस में बच्चेदानी जो पुराने टांक में है उसमें जाकर चिपक जाती है, जिसकी वजह से बच्चे आने में दिक्कत होती है। अब इसके अलावा अगर महिला ने बहुत ज्यादा आपने वजन गेन कर लिया है, बहुत आप मोटे हो गए हैं, तो हो सकता है अंडा बनाने की क्षमता पर असर आया हो, और हो सकता है कि हस्बैंड को अगर कोई इन्फेक्शन हो या हस्बैंड ने भी वेट गेन किया हो तो उनके भी शुक्राणुओं में दिक्कत आ सकती है। तो कुल मिला के आपके भी बेसिक तीन टेस्ट तो करने ही होंगे, उसके बाद ही फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है और ट्रीटमेंट क्या है। मैम मैं आगे कुछ और सवाल ले लूंगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने पुराने वीडियोस में पूछा है कि अगर उनको आपसे मिलना है या आपसे अगर सलाह चाहिए या अगर कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए तो आपसे कैसे मिल सकता है और कहाँ अस्पताल है इस बारे में। हालांकि मैंने बहुत बार बताया है कि कानपुर में है और लोग कैसे मिल सकते हैं, लेकिन आप एक बार बता दीजिए कि अगर कोई आपसे मिलना चाहे या आपसे बात करना चाहे तो कैसे पॉसिबल है। मैं डॉक्टर रेणु सिंह गहलोत, GHLAUT, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये, क्योंकि ज्यादातर तो लोग स्पेलिंग्स गलत लिखते हैं। तो मैं गहलोत हेल्थ केयर कानपुर में प्रैक्टिस करती हूँ, और अगर आप मुझसे टेली कंसल्टेंसी करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो आप अगर दूर हैं, कानपुर से 100 किलोमीटर दूर पे आप कहीं भी हैं, तो आप सबसे पहले तो जो आज पंकज आप देंगे, आज एक पंकज इनको वो व्हाट्सएप नंबर जिस पे ये टेली कंसल्टेंसी के लिए कॉन्टेक्ट करेंगे। अभी मैंने चैट में भी डाल दिया है कि तो चैट आप चेक करें, इसमें पंकज ने टेली कंसल्टेंसी नंबर एक दिया है, आप उस नंबर पे जाएं और आपको टेली कंसल्टेंसी की जितनी फॉर्मेलिटीज हैं वो मिस्टर राहुल है वो आपको ब्रीफ करेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली हम आप अपने सारे प्रिस्क्रिप्शन उस पे अपलोड करेंगे डालेंगे, और उसके बाद उन सबको देखकर या तो मैं आपको अपॉइंटमेंट दूंगी या अगर होगा तो फोन पे ही आपसे वीडियो कॉल करके मैं आपको ट्रीटमेंट ऑप्शन सजेस्ट करूंगी। अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसमें आपको आना ही पड़ेगा तो मैं वो भी बताऊंगी, लेकिन उसमें यह जरूरी है कि आप सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप उस नंबर पे जाकर सारी जानकारी प्राप्त करें। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोविड के समय में टेली कंसल्टेंसी को लीगल कर दिया है ना, तो अब हमारे लिए चीजें थोड़ी आसान हो गई हैं। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने टेली कंसल्टेंसी पे बैन लगाया हुआ था, बट उसका अपना एक तरीका है कि उसमें आपको अपना आधार कार्ड सबमिट करना है, आपको अपनी पुरानी सारी रिपोर्ट्स डालनी पड़ेंगी, व्हाट्सएप पे फोटो खींच के, आधार कार्ड की फोटो खींच के आपको भेजनी पड़ेगी, पुराने प्रिस्क्रिप्शन आपको अपने फोटो खींच के भेजने पड़ेंगे, अपनी कंप्लेंट्स लिखनी पड़ेंगी। तो कुल मिला के उसका एक फॉर्म है। पंकज, क्या मैं वो फॉर्म भी आपको दे सकती हूँ कि आप वो फॉर्म अपलोड कर दे? बिल्कुल, आप मुझे फॉर्म दीजिए, मैं इसमें डाल दूंगा और जो भी। हाँ, तो मैं राहुल को बोलूंगी कि वो दोनों चीजें हम लोग इसमें अपलोड कर सकते हैं। तो आप वो पूरा फॉर्म भर के तैयार करके रखिए और उस पर्टिकुलर नंबर पे संपर्क करिए, वो आपको आगे गाइड करेंगे कि किस तरीके से जाना है, आपको समय बताएंगे, डेट बताएंगे जिस दिन मैं आपसे वीडियो कॉल करके बात करूँगी। ये बहुत अच्छा है, हालांकि हमने यहाँ पे दे भी दिया है चैट में कि आप कैसे आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो नंबर भी और
अस्पताल का एड्रेस भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है चैट में। और इसके अलावा भी किसी ने भी कमेंट करके सवाल पूछा है कि मैम मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में थर्ड मंथ में मिसकैरेज हो गया था, उसके बाद 1 ईयर हो गए, अभी तक कंसीव नहीं हो रहा है, प्लीज कुछ बताएं। और इनको सबको सबसे सभी मरीजों से या सभी जो भी पेशेंट्स हैं जितने भी लोग बात कर रहे हैं यूट्यूब लाइव पे, दो बातें मैं बोलना चाहूंगी। पहली बात तो आप ये बताइए कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, किस जगह से बोल रहे हैं, और अगर इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं तो आपकी उम्र कितनी है और आपकी शादी को कितना समय हो चुका है ना? क्योंकि ऐसे फिर मैं बार बार जितने भी इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स जो बच्चे को लेकर परेशान हैं उन सबसे मैं कहना चाहूंगी कि एक माँ का पेशेंट का अल्ट्रासाउंड, एक हस्बैंड की सीमन एनालिसिस और एक दवा डाल के एक्सरे, ये तीन टेस्ट बिना करे तो हमें ये पता करना बहुत ही मुश्किल है कि किस पेशेंट में क्या समस्या है और क्या ट्रीटमेंट है। क्योंकि इनकी जो दवाइयां हैं उसके अपने साइड इफेक्ट्स भी हैं, तो हर पेशेंट्स को सब दवा तो नहीं दे सकते। तो बेहतर होता है कि हम पहले आपकी बीमारी को पकड़े और फिर अकॉर्डिंगली आपका ट्रीटमेंट आगे बढ़ाए। ये बहुत जरूरी है मैम ने जो बताया उसका आप लोग ध्यान रखिए, कहाँ से बोल रहे हैं, कितनी उम्र है, कितनी शादी, कितने साल हो गए, ये जरूर बताइए। हम अगला सवाल लेते हैं। ये ज्यादातर लोगों के सवाल यही है कि हमारी शादी के 2 साल हो गए हैं लेकिन मेरी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो रही है। सबको मैं उसी मैं वीडियो पे देख हाँ एक है कि शादी से पहले कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए, किसी ने पूछा है, और किससे पहले नियम कैसा होता है। एक ने पूछा है कि शादी से पहले कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए। एक चितरंजन पत्रा है, उन्होंने पूछा है मैम क्या ऐसा होता है कि बच्चेदानी में बच्चा ना रहे, मेरी वाइफ रिपोर्ट बता। ये सवाल मेरा समझ में नहीं आ रहा है। और बाकी तो एक पीरियड्स पे सवाल है कि मुझे 2 माह से पीरियड नहीं हो रहा है और मैंने 2-3 बार चेक किया है, एक ही लाइन आती है, ऐसा क्यों? ये पीसीओडी प्रॉब्लम हो सकती है इनसे। आप तो जो मुझे है लगता भाई है कि पीसीओडी का वीडियो देखें, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो सकती है, अगर आपने हाल में वेट गेन किया है, थायराइड की परेशानी है, तो ऐसे बहुत सारे प्रेगनेंसी के अलावा भी ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से पीरियड्स चढ़ जाते हैं। और आजकल जो सबसे ज्यादा कॉमन कारण है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर है, जिसमें अधिक वजन बढ़ जाने की वजह से पुरुषों के हार्मोन शरीर में बनने लग जाते हैं और जिसकी वजह से पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। इसके बारे में डिटेल जानकारी हमारा एक वीडियो है कि पीसीओडी क्या है, उसको सुने और फिर बताएं। अच्छा है मैम, इतना हमने आज डिस्कस किया और मुझे लगता है कि हमें यहाँ रुकना चाहिए क्योंकि हम ऑलरेडी 40 मिनट 45 मिनट हम आज कर चुके हैं। कल हम थैंक इस यू। वक्त जो है आज ही हम लोगों को इन्फॉर्म कर देते हैं कि कल हम शाम 5 बजे फिर से जुड़ेंगे एक नए मुद्दे पे, और लोगों के जो भी सवाल हैं वो आपसे पूछ सकते हैं। और मैं एक बार फिर से अस्पताल का एड्रेस और चीज़ें बता देता हूँ। जो नंबर है जिसपे आप मैम से बात कर सकते हैं, आप सलाह ले सकते हैं, वो है 9839840044। ये है, और इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके आप मैम से सलाह ले सकते हैं। मैम डॉक्टर इंदु सिंह गहलोत हैं, जो कानपुर में उनका अस्पताल है, गायनकोलॉजिस्ट हैं, और जो भी आपके सवाल हो आप बेशक इनसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। और बहुत सारे पुराने वीडियो मैम के यूट्यूब चैनल पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है मैम के, और वहां पर जाके आप कुछ चीजें देख भी सकते हैं। तो मैम अगर आपको कुछ कहना है तो आप एक बार कह दीजिए। इट अच्छा इनिशिएटिव है पंकज कि हम लोग इस तरीके से लाइव इंटरेक्ट कर पा रहे हैं पेशेंट से। मैं ये बात बोलनी चाहूंगी कि मे बी कल सुबह सभी लोग अपना टाइम चेक करें, क्योंकि मेरी कल शाम को एक और इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो शायद हम कुछ टाइम इसमें चेंज करें। और दूसरी मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि हम लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक को सेलेक्ट करें कि अगर हम बात करना चाहते हैं तो कल सिर्फ एबॉर्शंस पे बात कर सकते हैं या कल सिर्फ इनफर्टिलिटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को हम लोग टेकअप कर सकते हैं। तो इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कल जितने भी सवाल होंगे वो हम लोग पूछेंगे। टाइम के लिए आप लोग फिर से यूट्यूब चैनल पे चेक करिएगा कि टाइम क्या बिल्कुल है। और परसों हम लोग पंकज फाइब्रॉइड मायोमा गांठ इससे रिलेटेड बात करेंगे, और आपके
एक डिटेल शेड्यूल भी पंकज आपको पोस्ट करेंगे कि हर दिन हम लोग किस बारे में बात करना चाहते हैं। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी कि इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कि कल हम इनफर्टिलिटी पे बात करेंगे, तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी जितनी भी क्वेरीज हो, जितने भी सवालात हो, वो जरूर आप कल हमसे बात कर सकते हैं। लिख कर रखिए, अपना नाम लिखिए, एज लिखिए, शादी को कितना समय हो गया है ये लिखिए, आप कहाँ से हैं ये लिखिए, आपने किसी डॉक्टर को पहले दिखाया है तो उन्होंने आपको क्या बताया है कि आप में क्या परेशानी है, और अभी तक आपने मोटा मोटा क्या ट्रीटमेंट कराया है वो आप लिखिए, कितने सालों से आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो कुल आप ये मोटी मोटी जानकारी अगर हम आप देंगे तो हम आपको ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे। थैंक यू सो मच पंकज, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। कल फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।